तो आज हम बात कर रहे हैं कि सीड्स को किस प्रकार से लगाना चाहिए या फिर किस मीडियम में लगाना चाहिए, और विशेष रूप से जो आज हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं समर सीड्स के लिए, यानी कि गर्मियों में जो सीड्स अपन लगाते हैं उनको किस प्रकार से लगाना चाहिए, अभी लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो अभी बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, अभी आप उनको लगा सकते हो, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। दोस्तों मीडियम की अगर हम बात करें तो मीडियम जो मैंने बनाया है उसमें है 40% कोकोपीट, 40% कंपोस्ट और 20% गार्डन सोयल, इन तीनों को मिक्स करके और वो जो मीडियम तैयार किया है सीड्स को लगाने के लिए। इसको कैसे आपको मेजर करना है, तो आप इसको इस प्रकार से नाप सकते हो। आप जो भी चीज़ लेते हो, यानी कि कोई बर्तन लेते हो या कोई डिब्बा या कोई भी चीज़ लेते हो, तो उसको आपको जैसे 40% है तो 4 बार उसको लेना है, फिर 40% है तो 4 बार लेना है, और फिर 20% है तो उसको 2 बार लेना है। इस प्रकार से आपको अपने नाप लेना है। इसके बाद सीड्स को उनमें लगाना है, और सीड्स को किस प्रकार से लगाना है उनका वीडियो मैं इसी के साथ ऐड कर रहा हूँ, तो आप उनको देख सकते हो, क्योंकि मैंने जब बनाया था तो उनका वीडियो अलग से बनाया है। इस वीडियो में मैं उनको ऐड कर दूंगा। अभी उनकी ग्रोथ भी आपको साथ के साथ ही दिखा देते हैं कि उनमें अभी किस प्रकार की ग्रोथ हो रही है। और दोस्तों जो कुछ वीडियोस थी, यानी कि मीडियम वाली भी जो मैंने बनाया है, इस मीडियम की भी मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन वो पूरा डाटा मेरा उड़ गया है, क्योंकि मेरा मोबाइल से पूरा जितना भी पूरा डाटा था वो पता नहीं कैसे पूरा उड़ गया है। दोस्तों अभी जो चीज़ें बची हैं उनके आधार पे मैं आपको चीज़ें बता। जब आपका मीडियम तैयार हो जाता है या आप अपना मीडियम बना लेते हो, उसके बाद इस प्रकार से डिस्पोजल में आपको उस मीडियम को भर लेना है। इस प्रकार से सीड्स को स्प्रेड करना है, और जो मीडियम आपने तैयार किया है उससे इन सीड्स को अच्छे से ढक देना है। ये हमारे पास कॉसमोस लेडी बर्ड मिक्स के सीड्स हैं। इनको इस प्रकार से आपको जो आपने मिक्स बनाया है डिस्पोजल में जो है उसमें आपको इस प्रकार से डालना है और ऊपर से इनको ढक देना है। सभी जो सीड्स आप लगाते हो उनमें यही प्रक्रिया को फॉलो करना है। उसके बाद जब आपके सारे सीड्स लग जाते हैं तब आपको क्या करना है, अगर आपके पास फंजीसाइड्स हैं तो उस फंजीसाइड को पानी में मिक्स कीजिए और उसको अच्छे से इन सारे डिस्पोजल पर स्प्रे कर दीजिए। एक बात का विशेष ध्यान रखना है आपको कि आपको बहुत तेज़ी से स्प्रे नहीं करना है। तेज़ी से स्प्रे क्यों नहीं करना है, तो अगर आप तेज़ी से स्प्रे करोगे तो आपने जो सीड्स लगाए हैं वो ऊपर आ जाएंगे और आपके सीड्स जर्मिनेट नहीं होंगे। जर्मिनेट भी होंगे तो ऊपर ही जर्मिनेट हो जाएंगे और वो ख़राब हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आप ये रिजल्ट देख सकते हो कितना अच्छा रिजल्ट है। जितने भी सीड्स हमने लगाए हैं वो सारे जर्मिनेट हो गए हैं। तो इसके लिए आपको एक ऐसा कार्टून का बॉक्स लेना है और उसको आधे से काट के अच्छे से इस प्रकार से बना लेना है। उसके हिसाब से ही उनके ऊपर पॉलीथीन को काट लीजिएगा और पॉलीथीन को चारों ओर से टेप से उसके उस बॉक्स के आप चिपका सकते हो। दोस्तों ये जो सीड्स मैंने लगाए थे उनके 3 दिन का रिजल्ट इस प्रकार है, आप देख सकते हो। ये वेजिटेबल सीड्स है, इनमें कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिनमें ज़्यादा टाइम लगता है और कुछ ऐसे हैं जिनमें कम टाइम लगता है। दोस्तों ये फ्लावर सीड्स आप देख सकते हो, ये मैंने जीनिया वेराइटी और जितने भी समर सीड्स हैं वो सारे इस बॉक्स में रखे हैं, तो ज़्यादातर सीड्स मेरे बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं। और दोस्तों अगर बीज की अगर हम बात करें तो बीज मैंने गोविंद भाई से मंगवाए हैं, और गोविंद भाई के बीज का तो मैं कायल हो गया हूँ। गोविंद भाई के जो सीड्स हैं, जितने सीड्स मैंने लगाए, जैसे अगर मैंने एक डिस्पोजल में 5 सीड डाले हैं तो 5 के 5 सीड्स मेरे उगाए हैं। दोस्तों इनकी 100% जर्मिनेशन रेट है, और बाकी चीज़ों का मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, पहली बार मैंने इतने अच्छे सीड्स देखे हैं, क्योंकि मैंने जितने डाले हैं एक डिस्पोजल में उतने ही सीड्स सारे जर्मिनेट हो गए हैं। कुछ जो मिस्टेक्स हुई है वो इस प्रकार है कि मैंने कुछ सीड्स को जैसे लगाया इन डिस्पोजल में, तो जब पानी डालते हैं तो तेज़ी से पानी डल गया था, कुछ कुछ सीड्स बाहर निकल आए, तो उन वो भी जर्मिनेट हो गए हैं, लेकिन उनको कैसे सर्वाइव करवाना है, कैसे उनको बचाना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताता हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं ये कर रहा हूँ कि जो सीड्स उगाए हैं उनको मैं बाहर निकाल रहा हूँ इस बॉक्स से। बाहर क्यों निकाल रहे हैं, तो बाहर इसलिए निकाल रहे हैं दोस्तों कि जो सीड्स उगाए हैं तो अगर उनको भी इसी बॉक्स में रखेंगे तो उनकी सीड्स आपने देखा होगा कि वो बहुत लंबी लंबी हो जाती है, तो और लंबी होने के बाद वो आपकी सीडलिंग ख़राब हो जाएगी।
या फिर अगर उस बॉक्स में ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा तो आपकी जो सीडलिंग है वो गल भी सकती है, इस वजह से उनको बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों दूसरी जो हमने बात की कि कैसे जो बाहर ही जर्मिनेट हो गए हैं डिस्पोजल में उनको कैसे सर्वाइव करना है, तो उनको कैसे बचाना है, तो उसको इस प्रकार से आप बचा सकते हो कि उनकी जो रूट से निकल आई है वो ऊपर ही है। ये जो अभी हम बात ही कर रहे थे कि मिस्टेक क्या है, तो मिस्टेक वही है कि हमने ऊपर पानी तेज़ी से डाला तो वो सीड्स बाहर निकल आए, तो उनकी रूट्स भी बाहर ही निकल आई, तो उनको क्या करना है, इस प्रकार से किसी निकली चीज़ से आपको उसमें छोटा सा जितनी उसमें रूट आ जाए वैसा बना लेना है होल, और उसको इसकी सहायता से अच्छे से वापस मिट्टी को उसमें दबा दीजिए, मिट्टी में उसके रूट्स को, या फिर आपके पास जो मीडियम है पॉटिंग मिक्स है उससे हल्का हल्का सा ऊपर से डाल दीजिए और वो अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने सीडलिंग्स को बचा सकते हो। वैसे तो हम नर्सरी से भी ये सारे सीड्स ला सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे आसपास जो नर्सरियाँ होती है वो सारे सीड्स अपने को उपलब्ध सीड्स क्या जो सीडलिंग होती है उपलब्ध नहीं होती, और उपलब्ध भी होती है तो बहुत महंगी होती है। अब आप देख सकते हो कि इसमें मैंने स्मॉल पैकेट्स मंगाए थे जो 30-40 रुपए का एक पैकेट अपने पास आता है, और गोविंद भाई ने बहुत ही अच्छे से और जल्दी से वो ट्रांसफ़र कर दिया था, तो वो मेरे पास बहुत जल्दी पहुंच गया। और साथ ही साथ इनकी जो सीड है वो वैसी क्वालिटी, मैं बार बार कहना चाहूँगा कि ऐसी क्वालिटी वाले सीड्स मैंने अभी तक तो मेरे को किसी भी जगह पर नहीं मिले हैं, तो अगर आप चाहो तो इनसे देख सकते हो, जितनी आपको आवश्यकता वो ले सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।